बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए मूली की सब्जी बहुत ही स्पेशल सर्दियों की रेसिपी लेके आया हूँ। इस रेसिपी में कुछ बहुत खास और अहम बातें हैं जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। इसमें कौन से मसाले जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे और इसका सही टेस्ट और फ्लेवर किस तरह से लेके आया जाएगा और साथ ही साथ मूली की करवाट कैसे कम की जाएगी, सभी बातें डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश आपने मूली लेनी है और इसके पत्ते भी आज हम यूज़ करेंगे टेस्ट फ्लेवर के लिए। नरम वाले जो पत्ते होंगे आपने सिर्फ वो यूज़ करने, ठीक है। जो पक चुके और हार्ड पत्ते होंगे वो आपने यूज़ नहीं करने, वो कभी भी गलते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो नरम नरम पत्ते होंगे उसको बिल्कुल फाइनली आपने चॉप करना है, मतलब कि बिल्कुल सेम साइज़ का रखिए ना, खूबसूरती के साथ आपने काटना है। ये नहीं कि छोटे बड़े काट लिए और पत्ते नज़र आ रहे हैं कहीं, ये वो, इस टाइप का सीन नहीं होना चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मूली को आपने इस तरह से या पीलर के साथ छील लेना है और अच्छी तरह से धो के फिर आपने इसको छीलना है, ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीच में से आपको इसको डिवाइड कर दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मोटा रख के काटना है, ठीक है। ये देखिए, बारीक रखा तो ये गल जाएगा, घुल जाएगा, हलवा बन जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हो गया। तो ये है इनकी क्वांटिटी, तो दो मूलियाँ हमने काटी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक पैन लेंगे, पानी अंदर डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे बॉयल करेंगे। तो डाल देते हैं अंदर और फ्लेम को हाई कर देते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। और अगर पहले से कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढक्कन रख देते हैं, फ्लेम को हाई करते हैं और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ कप के करीब लेंगे कुकिंग ऑयल का। फ्लेम को फुल हाई कर देंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर प्याज की बारीक कलियाँ काट के इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत गर्म, अगर मतलब ठंडा ऑयल हुआ तो ये जल्दी बनते नहीं है, जो प्याज है ना ब्राउन नहीं होते। तो हमेशा ऑयल को अच्छे से गर्म करके प्याज ऐड किया करें। जब ये सुनहरी और खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाए फिर इसमें सिर्फ अदरक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कूट के। लहसुन आपने इसमें ऐड नहीं करना, अदरक को 2 मिनट पका लेने के बाद। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा रेड कलर का यहाँ पे एक टमाटर लेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि टमाटर को कैसे गलाते हैं। पहले सुन ले, 1/2 टीस्पून नमक आ जाएगा, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये दोनों चीज़ें आम रूटीन से आधी जाएंगी और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर जो नॉर्मली 1 टेबलस्पून होता है। याद रखिएगा, मूली के सालन के अंदर नमक और मिर्च बहुत कम जाती है, जीरा नहीं जाता, लहसुन तो बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसका फ्लेवर जो है मैच नहीं करता। अब यहाँ पे प्याज जो टमाटर है वह थोड़े से खड़े खड़े हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि टमाटर पके होते हैं लेकिन फिर भी जल्दी ना गलते नहीं है, मसाला में भुनाई में मदद नहीं देते। उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, फ्लेम को हाई कर देना है। देखिएगा टमाटर कितनी जल्दी नरम हो जाते हैं, छोटा सा टिप था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। चलें जी, दूसरी तरफ यहाँ पे जो बॉयल हो रही है हमारी जो मूली है, तो यहाँ पे देखिए मसाला डन हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मूली को बहुत ज़्यादा नहीं मैंने पकाया है, जस्ट तकरीबन 7 मिनट में मैंने इसको बॉयल दिया है। तो कितना बॉयल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी क्योंकि बाकी कसर हम सालन में निकालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे फेवरेट और सबसे प्यारा सीन, इन मूलियों को मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। प्लेटों को, प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई कर देना है, मूली पानी छोड़ेगी, आपने इस मसाले के अंदर इसकी भुनाई करनी है। भुनाई जब भी करते हैं हाई फ्लेम के ऊपर करते हैं, ठीक है। चलें जी, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेने के बाद हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, 3 से 4 छोटे वाली, और ये खूबसूरती और खुशबू के लिए ये रेड वाली, ये भी काफ़ी तेज़ होती हैं लेकिन इनका फ्लेवर और जो खासकर खूबसूरती होती है वो बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अच्छे से भुनाई तकरीबन 10 मिनट के बाद ढक्कन रखेंगे तकरीबन 5 मिनट का लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से दम आ जाए और जो मूली में कसर थी वो पूरी हो जाए। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, खुशबुएं सुभान अल्लाह, और एंड पे इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड कर देते हैं, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये भी आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत और आपकी तरफ से एक अच्छी हमारी तरफ इनाम होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में डालते हैं, फाइनल लुक देखते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।